लाख कोशिशों के बाद भी महिलाएं तीन तलाक का दंश झेलने को मजबूर हैं। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद भी दूषित मानसिकता वाले लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा। ताजा मामला गोंडा का है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। 9 साल पहले हुई शादी को चंद मिनट भी नहीं लगे और जन्म जन्म का रिश्ता पल भर में टूट गया। आए दिन दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। जब प्रताड़ना से भी पापी पति का मन नहीं भरा तो उसने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, उसे घर से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। 12 तारीख को रात में 12 बजे मुझसे बोले कि 1 लाख रुपए लेकर आओ मोटरसाइकिल, तो मैं तुझे रखूंगा तो नहीं। तो मुझसे बोले कि मेरा मतलब इतना हस्ती नहीं है, माँ बाप हम लोग गरीब हैं, इतना नहीं दे सकते हैं। अभी 50-50 रुपये तुमको दिया गया है, बोले नहीं लेकर आओ तो मैं रखूंगा ना तो नहीं। उस पर मैं हाथ पाँव गिराई, रोने लगी कि मतलब इतना मेरे माँ बाप बहुत गरीब नहीं दे सकते। ऊपर उसने बहुत मारा, बहुत गाली गलौज भी मार पीट के, फिर रात किसी में करके रात मतलब गुजारी। रात गुजारने के बाद 13 तारीख को उसने सुबह फिर भी मारा पीटा और गाली दी। बोला नहीं ले सकती हो तो जाओ, मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। 3 बजे तलाक दिया, तलाक देके फिर घर से निकाल दिया। वहीं पीड़ित महिला की माँ की माने तो दिलदार ने दूसरी शादी की धमकी दी है। ऐसा है कि हमने अपनी बेटी की शादी सन 2010 में किया, 8-9 साल हो गए शादी करेंगे। जो हमारी हैसियत अपने हैसियत के मुताबिक उन्हें दहेज दिया और जो जेवर था हमारे मुताबिक वो दिया। उसके बाद वो घर वाले संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद उनका मारना पीटना चालू, रोज घर से भगाना चालू कर दिए कि जाओ 1 लाख रुपया लेके आओ, हमको दहेज नहीं मिला है, लोग इतना पाते हैं उतना पाते हैं, तुम क्या लाई हो। ऐसा है तब लड़की मतलब बोले कि लिखा पढ़ी हो गया, कहें हाँ हो गया। तब वो लड़की बोले कि लड़का बोला कि जाओ अब घर। जब घर चली गई वो आया सऊदी से, फिर मारपीट चालू कर दिया, बोले अब हमारा क्या होगा, तो लिखे तो है ही हो। उसके बाद रात में हमारी बेटी से कहा कि 1 लाख रुपया तुम ले आओ और गाड़ी ला के दो, वरना रखूंगा वरना नहीं रखूंगा तलाक दे दूंगा। पुलिस की माने तो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में उसमें एक प्रकरण आया जिसमें अभियुक्त पंजीकृत किया है और दहेज अधिनियम की धारा के साथ साथ APC की धारा और मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम तो उन सब एक्ट्स की धाराएं लगी हुई हैं। विधिक कार्रवाई की जाएगी एक्ट के अनुसार, नॉर्मल में जिस तरह से होता है उसी तरह कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, 3 तलाक के मामले कम तो हुए हैं लेकिन खत्म कब होंगे ये बड़ा सवाल है। वही मामले पर पुलिस की भी संवेदनहीनता सामने आई, किसी तरह FIR तो दर्ज हुई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।